तक इसका जो पेट्रोल है अभी मुझे लग रहा है हल्का सा जड़ को मारना, मतलब झटका सा मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं सोच रहा हूँ ग्रीन तो हो ही गई है तो यही से निकल देते हैं। ठीक है, 17-15 किलोमीटर है भैया, अपना आराम से निकल लो। ठीक है, तो अभी तक तो क्या है 2.7 किलोमीटर के समथिंग की जो हमारी गाड़ी है चल चुकी है। तो बाकी ओए होए भाई, ये है गाड़ी, कितना भी लोड ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो भाई, कहीं नहीं जाने वाली, कोई भी टेंशन वाला सीन नहीं, एकदम मक्खन चलती है। तो अभी क्या, हमने एक तरीके से अपना 1 किलोमीटर बचा लिया, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से आगे रेड लाइट की तरफ से मैं सोचा यू टर्न आगे से ले लिया जाए, या फिर मैं सोचा चलो इधर के साइड से एक राउंड और लगा लेंगे, हम एक और राउंड लगा लेंगे इसमें, क्योंकि तो अभी तो कैद के पाइप में पेट्रोल है, तो उस हिसाब से देखते अभी तक 3.1 यानी 31 तक का तो माइलेज अभी तक इस गाड़ी ने निकाल दिया है। अब 31 का निकाल रही है बेटा, बड़ी चालू चीज़ है यार ये गाड़ी, वैसे 31 का माइलेज नहीं निकालती है, लेकिन अभी 31 का निकाल दिया, जब माइलेज टेस्ट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, और अभी भी इसके पाइप के अंदर पेट्रोल है, यानी अभी भी मेरे हिसाब से एक राउंड और निकलवाई देगी। तो बाकी भाई यही अपनी लोकेशन है, आ जाना। ठीक है, लोकेशन अपनी यही है, अपनी आ जाना भाई। अब पेट्रोल तो खैर हमने एडवांस में रख रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा रास्ते पे धक्का मारना। तो ये तो अपनी एक तो देखो शॉप आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या हम यहीं से वापस ले लेते हैं, तो यहीं से वापस जो अपना यू टर्न लेके एक राउंड और मैं लगाऊंगा। ठीक है, एक राउंड जो है वो मैं और लगाऊंगा। अभी तक तो क्या नीचे वाले में इसमें पेट्रोल है, तो मेरे हिसाब से भाई इतनी माइलेज मुझे नहीं लग रहा यार मेरी गाड़ी इतना माइलेज दे रही होगी। अभी भी देखो 40 के हिसाब से 40 का माइलेज निकाल रही है, तो यार मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जो गाड़ी है 40 का माइलेज दे रही होगी, लेकिन यार दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ, सही में यार खुश हूँ मैं। तो अभी तक क्या 41 तक समथिंग चल चुकी है, यानी 41 की माइलेज ये जो गाड़ी है वो दे रही है। अब यहीं से एक बार यू टर्न मैं ले लूँगा, और यहीं से यू टर्न पे लेते लेते, और देखो स्पीड जो मैंने रखी है वो 40 तक की रखी है, स्पीड जो है आराम से 40 की मैंने स्पीड रखी है, 40-50 की स्पीड में ऐसे चला। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बाइक है ये जर्क थोड़ा सा स्कूटर जो है ये वो करने लग गया, बस दुकान तक मुझे वापसी पहुँचा दे मैं चाहता दुकान तक पहुँचाते। तो अब क्या है भाई, यहाँ से यू टर्न लेवा दें, तो यहाँ से क्या दोस्तों इसका देख लो पेट्रोल हो गया ख़त्म। तो इसमें जो तो दोस्तों माइलेज उस गाड़ी ने निकाल के दिया है, वो निकाल के दिया है, देखो पेट्रोल तो अभी है इसमें, पेट्रोल तो अभी इस गाड़ी में है, पर ये मुझे लग रहा है नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा, पेट्रोल तो अभी है इसमें यार भाई के 50 का माइलेज दे रही है ये, तो अभी तक तो देख लो इसके अंदर पेट्रोल है, लेकिन ये मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यार 46 का माइलेज और अभी भी इसके पाइप में पेट्रोल है, तो यहाँ से क्या हम इसको एक बारी को इस तरीके से खींच लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये जो पेट्रोल है ये कितना आ रहा है इसमें। तो एक बारी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको एक बार ऑफ करता हूँ, ठीक है, और ये जो पाइप है ये इसका पाइप खोलता हूँ, एक बार इसका पाइप खोलने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पाइप है इससे एक बार मैं फूंक मार के ट्राई करके देखता हूँ। तो दोस्तों मैंने फूंक मार के ट्राई करने की तो कोशिश करी, बट
कुछ भी इसमें निकला नहीं अभी तक। तो मैं एक बार ये क्या हूँ, इसका पाइप जो है वो यहाँ से मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इसका पेट्रोल हल्का सा भी इधर उधर बहे। तो पेट्रोल दोस्तों देख लो अभी इसके अंदर सिर्फ इतना बचा है। तो अगर मैं इतने पेट्रोल की बात करूँ तो देखो यार वो इतना गिर रहा है, यानी इसके अंदर कुछ भी पेट्रोल नहीं बचा। तो भाई पेट्रोल के मामले में देखा जाए तो अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल माइलेज इसका ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको वापसी में लगा दूँगा। और माइलेज के लिए अब मैंने जो एक्स्ट्रा पेट्रोल मैं लेकर आया था वो पेट्रोल पेट्रोल पाइप का फंस गया। तो मैं इसके जो पाइप लेकर आया था वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो निकल नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक बार ही यहाँ पे इसमें पाइप लगा देंगे, ठीक है। और पाइप लगाने के बाद क्या है, ठीक है, एक बार ही मैं इसमें यहाँ पाइप लगाता हूँ और थोड़ा सा पेट्रोल मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो है ये ऑन कर लिया और यहाँ से हमने इसका खोल लिया। देखो तभी मैं इसलिए मैं इसको इतना दूर लेके नहीं गया था, लेकिन मैंने गलती करी, मुझे लेके जानी चाहिए थी, ठीक है। तो मुझे लेके जानी चाहिए थी, जो थोड़ी सी मैंने गलती करी, क्योंकि एग्जैक्ट फिर ये क्या होती है, एग्जैक्ट दुकान पर ही ख़त्म होती। तो देखो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही पेट्रोल डाला इसमें ताकि इसके कार्बन ट्रक तक हमारा जो पेट्रोल है वो पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें पेट्रोल यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसके अंदर हल्का हल्का ही पेट्रोल यूज़ करूँगा ताकि जो है अपना कार्बोरेटर से दुकान तक मैं पहुंच जाए, ठीक है। ज़्यादा पेट्रोल की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो बस मैं इतना ही पेट्रोल इसमें डाल रहा हूँ कि अपना ये दुकान तक निकल जाए, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपरली वापस बंद कर देता हूँ और तो प्रॉपरली बंद करके एक बार इसको दुकान तक मैं ले जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो जो इसने मुझे माइलेज निकाल के दिया, तो भाई 46 का माइलेज इस गाड़ी ने निकाल के दिया भाई, और क्या लोगे यार, मेरे हिसाब से 46 का माइलेज बहुत अच्छा है इस गाड़ी के लिए। 46 का माइलेज है वो भाई, मैं सही में जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ भाई, मैं खुश हूँ 46 का जो इसका माइलेज निकला है। तो 46 का माइलेज है भाई, ये गाड़ी तो नहीं चली गई, 46 का माइलेज, मेरी तो यामा की अल्फा भी नहीं दे रही। तो चलो एक वीडियो और निकालेंगे आप लोगों के लिए अल्फा पे, तो अल्फा पे जो माइलेज निकलता है वो देखते कितने का निकाल कर देती है जो गाड़ी है, ठीक है। अब अल्फा पे निकाल के देखते हैं जो हमारी गाड़ी है वो कितने का माइलेज दे रही है। तो अभी क्या, अभी बस यहीं से हम यूटर्न ले लेते हैं एंड देन अभी शॉप तक पहुँचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार रास्ते में खड़े होकर धक्का लगाना। तो अभी ये थोड़ा धक्का मारिए भाई, रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है। तो देख लो भाई प्रॉपरली जो माइलेज निकाल के दिया है भाई वो निकला है। तो माइलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो अभी मैंने क्या करा कि इसकी जो बॉटल थी वो मैंने अलग से हल्का सा पेट्रोल डाल के यहीं पे इसका कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों जो गाड़ी ने माइलेज निकाल के दिया वो निकाल के दिया 46 का माइलेज निकाल के दिया इस गाड़ी ने। तो देखो 46 का जो माइलेज है भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये क्या था, ये मैंने थोड़ा सा पेट्रोल इसमें अलग से डाला था वो निकाल के मैंने दोबारा इसमें फिल करा, ऐसी कोई वो नहीं है। तो अभी हमने क्या करता है इसके अंदर, आपको मैंने जैसी वीडियो में बताया था कि मैंने थोड़ा सा इसमें डालता है ताकि मैं रास्ते में जो फंसा था वो मैं वापसी आ जाऊँ। तो माइलेज के हिसाब से भाई मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज का बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब 46 का माइलेज एक 125 cc वो भी महिंद्रा की रोडियो। तो भाई यही वीडियो अभी हम क्या करेंगे आगे आप लोगों के लिए और कंटिन्यू पर रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये आ रही थी इसका, मतलब ये सुबह सुबह जो हमें चौक से स्टार्ट करनी पड़ रही थी तो ये इसकी प्रॉब्लम आ रही। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ये प्रॉब्लम सही है, जैसे अपनी ये वाली गाड़ी है ना, हम इसमें एक किक मारते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वैसे सेम इसके अंदर वाला सीन नहीं है। तो वही चीज़ मुझे इसके अंदर करानी है। तो चलो मिलते हैं आप इस वीडियो के हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे और भी साथ। इसकी बात करूँ तो हमारी गाड़ी ने जो माइलेज निकाल के दिया है वो निकाल के दिया है 53, यानी 53 नहीं है ये माइलेज आपका 46। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमने क्या करता है रास्ते में माइलेज टेस्ट करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पेट्रोल और डालता ताकि हम अपनी शॉप तक पहुंच जाए। तो माइलेज के मुकाबले में देखा जाए तो भाई 46 यानी 4.6 किलोमीटर 100 ml में चली है, तो 100 ml के हिसाब से इसका जो एग्जैक्ट माइलेज निकला वो निकला 46 का।
तो भाई जिन जिन लोगों का 46 का माइलेज निकल रहा है तो भाई वो लोग बहुत बढ़िया बात है। और अभी तो इसका कार्बोरेटर भी सेट नहीं है, तो आपको जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा फ्रंट कैमरे में। तो जैसे कि आप लोगों ने पूरे माइलेज टेस्ट की वीडियो देख ली होगी, तो माइलेज टेस्ट की वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी गाड़ी ने माइलेज एग्जैक्ट निकाला तो कितना है। तो भाई माइलेज जो है भाई मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी दूसरी स्कूटी भी शायद इतना माइलेज नहीं निकालती होगी। डिपेंड होता है, देखो अभी क्या था, हमने ब्रेकिंग नहीं करी थी, इतनी ब्रेकिंग वाला सीन नहीं था हमारा कि ब्रेकिंग करनी है फिर एक्सलेट करना, फिर ब्रेकिंग करनी फिर एक्सलेट करना। अभी जो माइलेज निकला वो 46 का माइलेज निकला, तो मेरे हिसाब से माइलेज जो है वो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को डाउट रहता है कि भाई माइलेज के लिए। तो देखो डाउट है, गाड़ी में है, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसको काफी चला चुका हूँ। मैंने भी इसको अच्छी खासी 10-11 हज़ार किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ जब से आप लोगों ने इसकी रीबिल्ड की वीडियो देखी है, तो माइलेज का मुझे भी लग रहा था। लेकिन अभी हम क्या इसका माइलेज और भी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि इसका माइलेज और कितना इंक्रीज हो सकता है, जहां तक का हो सकता है। क्योंकि मेरी स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम इसमें यह आ रही है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये क्या सुबह सुबह में चौक से स्टार्ट करनी पड़ रही है, ये इसकी गाड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वो दिक्कत का भी सोल्यूशन हम लोगों को निकालना है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने हमारी महिंद्रा रोडियो दूसरी वाली देखी थी रेड कलर वाली, उसमें क्या था माइलेज की कोई दिक्कत नहीं थी, माइलेज एकदम मक्खन था, स्मूथ था। लेकिन हमें क्या इसका भी जो चौक है, चौक वाला काम हमें इसको सही करा रहे, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसके नेक्स्ट पार्ट आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे कितने का क्या है क्या नहीं। तो ओके।